ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मामला जीएसएससी का, जीएसएससी के अध्यक्ष नीरज सिन्हा के इस्तीफे पर भाजपा विधायक अमित मंडल ने बड़ा बयान दे दिया है। अमित मंडल ने इसे जीएमएम का सर्विस कमीशन बता दिया है। क्या कहा अमित मंडल ने, सुनिए। घोटाले हुए थे जिस प्रकार से सीरियल वाइज जो है हर एक सेंटर में जो रिजल्ट है वो घोषित कर दिया गया, एक ही सीरियल के हर एक व्यक्ति को पास कर दिया गया, वो एजेंसी है उसकी मिलीभगत के प्रमाण मिलते हैं। अभी आप जेएसएससी की फुल फॉर्म अगर मेरे से पूछेंगे, एमएम पार्टी की सरकार के लिए सर्विसेज और कमीशन, किस प्रकार से सरकार को जो है सर्विसेज दें, किस प्रकार से पैसे की गाय हो, किस सारे का जब आपके पास सूची आ जाएगा तो कहीं ना कहीं आपको हर एक एजेंसी में तारतम्य जुड़ता हुआ खुद ब खुद दिखने लग जाएगा। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ट्रिची में इस एजेंसी ने अपना एग्जाम कंडक्ट कराया था और उस एग्जाम की सीबीआई की इंक्वायरी जांच चल रही है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से सत्वल इंफोसोल इसमें पेपर लीक के मामले में कहीं ना कहीं दोषी पाया जा रहा है। अपने कुकृत्यों को छुपाने के लिए इस प्रकार का अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया, सरकार के कुकृत्य को छुपाने के लिए उन्होंने इस्तीफा दिया। सीबीआई जब जाएगी तो तह तक जाएगी, सरकार तक जाएगी और सरकार ने जो गलतियां की हैं उसको उजागर करेगी। कहीं जेपीएससी तो अमित मंडल ने बड़ा बयान दे दिया है, भाजपा के विधायक है, बड़ा बयान दे दिया अमित मंडल ने। रुक करते हैं सीधे अजय लाल का, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, अमित मंडल ने आज इसे जेएमएम का सर्विस कमीशन करार दिया, नीरज सिन्हा के इस्तीफे को बता दिया कि चूंकि वो जानते हैं कि फंसने वाले हैं इसीलिए बचाव का रास्ता अख्तियार कर लिया है। देखिए अभिषेक, इस मामले में अब मुझे लगता है कि जो परसेप्शन जेएसएससी का खराब हुआ है पिछले कई दिनों में, कई महीनों में, पिछले कई सालों में, मुझे लगता है कि राज्य की नई सरकार ने कल आईएएस अधिकारी प्रशांत कुमार को जेएसएससी का नया चेयरमैन बनाया है, कुछ परसेप्शन जरूर बदलेगा। जो हुआ उसके लिए अब बहुत ज़्यादा सिर पीटने से कोई फायदा है नहीं। नीरज सिन्हा ने इस्तीफा दे दिया, अब इसको, इस मुद्दे को पॉलिटिकलाइज करने की कोशिश होगी तो बेवजह की बात बढ़ेगी। मुझे लगता है कि देखिए, जब जेएसएससी की हम चर्चा करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसे युवाओं की भी चर्चा हम करते हैं जो जिनके पास डिग्री है और वो नौकरी की तलाश में कई प्रकार के आवेदन भरते हैं। तो फिलहाल प्रशांत कुमार का ये जिम्मेदारी होनी चाहिए, पहला उनका कर्तव्य ये होना चाहिए कि जो परसेप्शन खराब है जेएसएससी का, कहा जाता है कि यदि आपको अपनी किस्मत खराब करवानी है तो एक बार जेएसएससी की परीक्षा में बैठ जाएं, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी किस्मत खुद ब खुद खराब हो जाएगी। ऐसा लोग कहते हैं, ऐसा लोग चर्चा करते हैं। तो इस परसेप्शन को आईएएस अधिकारी प्रशांत कुमार काबिल अधिकारी हैं, इससे पहले वो कई विभागों के सचिव हैं, रहे हैं, अभी भी सचिव अतिरिक्त प्रभार है, तो वो छात्रों से मिले। जेएसएससी का जो दरवाजा हुटवार की तरह बंद रहता है उसको खोलें, छात्रों से मुलाकात करें, उनकी पीड़ा क्या है उन सुनने की कोशिश करें। आप यदि आइसोलेट रहेंगे तो फिर बात जहां रहेगी वहीं रह जाएगी। यदि आपने बहुत ज्यादा आइसोलेट करने से बात जहां की थी वहीं रह जाएगी, बात राजनीति की नहीं, बात छात्रों के भविष्य की है। नीरज सिन्हा ने इस्तीफा दे दिया है, जांच की आंच कब तक जाएगी उन तक, कब प्राथमिकी दर्ज होगी, एसआईटी जांच कर रही है, ईडी भी रिकॉर्ड खंगाल रही है, कहीं ना कहीं जितने एडमिट कार्ड मिले हैं विनोद सिंह के घर से ईडी उसकी भी तफ्तीश करेगी और जांच के जद में कई अधिकारी आएंगे। बहुत धन्यवाद अजय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।